हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक. आईपीएल ऑल विनर टीम लिस्ट फ्रॉम 2008 टू 2023. चलो अच्छा है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कौन जीता कब जीता. जिंदगी में कभी दिल्ली जीतने से देखेंगे? हाँ, वो भी देखना है. मैं बोल देती हूँ राजस्थान दिल्ली जैसा है, तो राजस्थान वाले भड़क जाते हैं. वो हो गया था, हम बेटर है. वो कहते हैं हम दो बार ही जीत चुके. मैंने कहा अच्छा भैया, आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए. चलिए शुरू करते हैं. दोस्तों, जब आईसीसी ने टेस्ट मैचेस से वनडे मैचेस की शुरुआत करी तो आईसीसी को पता लगा कि वनडे मैचेस लोगों के बीच बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं. और कुछ समय बाद वनडे मैचेस की पॉपुलैरिटी को देखते हुए शुरुआत हुई T20 क्रिकेट की. साल 2007 में T20 वर्ल्ड कप को मिली नाम और शोहरत को देखते हुए साल 2008 में बीसीसीआई ने शुरुआत करी दुनिया की पहली क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग की, 2008 से आईपीएल की. तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस कप्तान ने कितनी आईपीएल ट्रॉफी जिताई है और कौन सा खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मैच रहा और कौन बना प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं. तो कौन सी टीम जीती वो नहीं बताओगे? 2008 का फाइनल मैच मुंबई के डीवाई पटेल स्टेडियम में खेला गया, जिसका फाइनल मैच राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग के बीच खेला गया, जहां चेन्नई सुपर किंग ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 163 रन बना दिए और वहीं राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 164 रन बनाए. राजस्थान जीती थी पहली बार 2008 अपने नाम कर लिया. बेचारों को मैं इस बार नाम कर रही हूं. पहले ही जीत गए थे पठान, जिन्होंने फाइनल मैच में 39 बॉलों में 56 रनों की शानदार पारी खेली और 4 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट भी चटकाए. और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने शेन वॉटसन, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 472 रन बनाए और 17 विकेट भी चटकाए. और इसी के साथ राजस्थान ने आईपीएल की पहली ट्रॉफी अपने नाम ट्रॉफी राजस्थान ने ली थी. 2009 इलेक्शन के कारण साउथ अफ्रीका कंट्री में होस्ट किया गया, जिसका फाइनल मैच रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और डेकन चार्जर के बीच खेला गया, जहां डेकन चार्जर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 143 रन बना दिए और वहीं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर 20 ओवर में 137 रन ही बना पाई और 6 रनों से डेकन चार्जर ने आईपीएल 2009 अपने नाम कर लिया. और आईपीएल 2009 के विजेता कप्तान रहे एडम गिलक्रिस्ट और प्लेयर ऑफ द मैच बने अनिल कुंबले, जिन्होंने फाइनल मैच में 4 ओवर में 16 रन देकर 4 विकेट चटकाए. और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने कप्तान एडम गिलक्रिस्ट, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 400 रन बनाए. और इसी के साथ डेकन चार्जर ने आईपीएल का दूसरा सीजन अपने नाम कर लिया. और फिर दोस्तों, आईपीएल 2010 का फाइनल मैच मुंबई के डीवाई पटेल स्टेडियम में खेला गया, जिसका फाइनल मैच चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया, जहां चेन्नई सुपर किंग ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 168 रन बना दिए और वहीं मुंबई इंडियंस 20 ओवर में 140 रन ही बना पाई और 22 रनों से चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल 2010 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली. 6 करोड़ मिला था 2010 के विजेता महेंद्र सिंह धोनी और प्लेयर ऑफ द मैच बने सुरेश रैना, जिन्होंने फाइनल मैच में 35 बॉलों में 57 रनों की नाबाद शानदार पारी खेली. और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने सब इंडियंस हुए थे 2018 रन बनाए. और इसी के साथ दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग ने पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम कर ली. और फिर आईपीएल 2011 का फाइनल मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया, जिसका फाइनल मैच चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर टीम के बीच खेला गया. यहां चेन्नई सुपर किंग ने पहले बल्लेबाजी कर चेन्नई बहुत जीता भी और आरसीबी के बीच में होता है. और वहीं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर 20 ओवर में 147 रन ही बना पाई और 58 रनों से चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल 2011 अपने नाम कर लिया. और आईपीएल 2011 के विजेता कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी और प्लेयर ऑफ द मैच बने मुरली विजय, जिन्होंने फाइनल मैच में 52 बॉलों में 95 रनों की शानदार पारी खेली. और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने क्रिस गेल, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 608 रन बनाए और 8 विकेट भी चटकाए. और इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग ने दूसरी बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम कर ली. और फिर दोस्तों, आईपीएल 2012 का फाइनल मैच चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया, जिसका फाइनल मैच चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया, जहां चेन्नई सुपर किंग ने पहले बल्लेबाजी ओवर में 190 रन बना दिए और वहीं कोलकाता नाइट राइडर ने 20 ओवर में 192 रन बनाकर 5 विकेट से आईपीएल 2012 अपने नाम कर लिया. और आईपीएल 2012 के विजेता कप्तान रहे गौतम गंभीर और प्लेयर ऑफ द मैच बने मनविंदर बिस्ला, जिन्होंने फाइनल मैच में 48 बॉलों में 89 रन की शानदार. तो गंभीर जो है वो 2012 से खेल रहा है, जिन्होंने
पूरे टूर्नामेंट में 24 12 साल हो गए इसी के साथ। कोलकाता नाइट राइडर ने अच्छा धोनी भी तो खेल रहा है अपने नाम कर ली और तब से खेल रहे हैं। 13 का फाइनल मैच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला गया जिसका फाइनल मैच चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 148 रन बना दिए और चेन्नई सुपर किंग्स 20 ओवर में 125 रन ही बना पाई और 23 रनों से मुंबई पहली बार जीते ना। 2013 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली और आईपीएल 2013 के विजेता कप्तान रहे रोहित शर्मा और प्लेयर ऑफ द मैच बने कैरन पोलार्ड जिन्होंने फाइनल मैच में 32 बॉलों में 60 रनों की लिस्ट कर गया। ऐसे दिखाते ना कौन सी टीम जीती है, मैं तो फिर नहीं पूछता। टूर्नामेंट में 543 रन बनाए और 13 विकेट भी चटकाए और इसी के साथ मुंबई इंडियंस ने पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। और फिर दोस्तों आईपीएल 2014 का फाइनल मैच बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया जिसका फाइनल मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और किंग्स इलेवन पंजाब टीम के बीच खेला गया जहाँ किंग्स इलेवन पंजाब टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 199 रन बनाए और वही कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 2014 के विजेता कप्तान रहे गौतम गंभीर और प्लेयर ऑफ द मैच बने मनीष पांडे जिन्होंने फाइनल मैच में 50 बॉलों में 94 रनों की शानदार पारी खेली और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने ग्लेन मैक्सवेल जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 552 रन बनाए। और दोस्तों इसी के साथ कोलकाता नाइट राइडर ने दूसरी बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। और फिर दोस्तों आईपीएल 2015 का फाइनल मैच कोलकाता के ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया जिसका फाइनल मैच चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई दोनों के बीच मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 202 रन बना दिए और वहीं चेन्नई सुपर किंग्स 20 ओवर में 161 रन बना पाई और 41 रनों से मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2015 नाम कर लिया। और आईपीएल 2015 के विजेता कप्तान रहे रोहित शर्मा और प्लेयर ऑफ द मैच भी रोहित शर्मा ही रहे जिन्होंने फाइनल मैच में 26 बॉलों में 50 रन की शानदार पारी खेली और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने एंड्रे रसल जिन्होंने इसी के साथ मुंबई इंडियंस ने दूसरी बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। और फिर आईपीएल 2016 का फाइनल बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया जिसका फाइनल मैच देखते ना किसको सबसे ज्यादा मिले मैं तो पता नहीं के बीच खेला गया जहां सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 208 रन बना दिए और वहीं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर 20 ओवर में 200 रन ही बना पाई और 8 रनों से सनराइजर हैदराबाद ने आईपीएल 2016 अपने हैदराबाद भी जीती है। 2016 के विजेता कप्तान रहे डेविड वॉर्नर और प्लेयर ऑफ द मैच बने बेन कटिंग जिन्होंने फाइनल मैच में 15 बॉलों में 39 रनों की नाबाद पारी खेली और 2 विकेट भी चटकाए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने विराट कोहली जिन्होंने टूर्नामेंट में 973 रन बनाए। और दोस्तों इसी के साथ सनराइजर हैदराबाद ने पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। और फिर दोस्तों आईपीएल 2017 का फाइनल हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया जिसका फाइनल मैच मुंबई इंडियंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के बीच खेला गया जहां मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 129 रन बना दिए और वहीं राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स 20 ओवर में 128 रन ही बना पाई और 1 रन से मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2017 अपने नाम कर लिया। आईपीएल 2017 के विजेता कप्तान रहे रोहित शर्मा और प्लेयर ऑफ द मैच बने कुणाल पांड्या जिन्होंने फाइनल मैच में 38 बॉलों में 47 रन की शानदार पारी खेली। टूर्नामेंट बने बेन स्टोक्स जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 316 रन बनाए और 12 मुंबई इंडियंस ने तीसरी बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। और फिर दोस्तों आईपीएल 2018 का फाइनल मुंबई के बानखेड़े स्टेडियम में खेला गया जिसका फाइनल मैच चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच खेला गया जहां सनराइजर हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 178 रन बना दिए और वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 181 रन बनाकर 8 विकेट से आईपीएल 2018 अपने नाम कर लिया। और 2018 के विजेता कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी और प्लेयर ऑफ द मैच बने शेन वॉटसन जिन्होंने फाइनल मैच में 57 बॉलों में 117 रन की चेन्नई सबसे ज्यादा। दोस्तों प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने सुनील नारायण जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 357 रन बनाए और 17 विकेट भी चटकाए और इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने तीसरी बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने 2020 में दिल्ली जीता था। 2019 का फाइनल हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया जिसका फाइनल मैच चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई जहां मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 149 रन बना दिए और चेन्नई सुपर किंग्स 20 ओवर में ये क्या हो गया और 1 रन से मुंबई इंडियंस ने आईपीएल नाम कर लिया। और आईपीएल 2019 के विजेता कप्तान रहे रोहित शर्मा और प्लेयर ऑफ द मैच बने मुंबई मुझे लगता है ज्यादा जीती है फिर तो 4 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट चटके और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने काउंट कर लो तो बताना पूरे टूर्नामेंट में 510 रन बनाए और 11 विकेट भी चटकाए। और दोस्तों इसी के साथ
मुंबई इंडियंस ने चौथी बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। और दोस्तों आईपीएल 2020 कोविड के कारण यूएई कंट्री में होस्ट किया गया, जिसका फाइनल मैच दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया, जहां दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 156 रन बना दिए और वहीं मुंबई इंडियंस ने 19 ओवर में 157 के विजेता कप्तान रहे शर्मा और प्लेयर एक बार पहुंचे उन्होंने फाइनल मैच में 4 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट चटकाए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने जोफ्रा आर्चर, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 113 रन बनाए और 20 विकेट चटकाए। और इसी के साथ दोस्तों मुंबई इंडियंस ने 5वीं बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। और आईपीएल 2021 भी कोविड के कारण यूएई कंट्री में होस्ट किया गया, जिसका फाइनल मैच चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता के बीच खेला गया, जहां चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 192 रन बना दिए और कोलकाता नाइट राइडर्स 20 ओवर में 165 रन ही बना पाई और 27 रनों से चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2021 अपने नाम कर लिया। आईपीएल 2021 के विजेता कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी और प्लेयर ऑफ द मैच बने फाफ डुप्लेसी, जिन्होंने फाइनल मैच में 59 बॉलों में 86 रनों की शानदार पारी खेली और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हर्षल पटेल, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 59 रन बनाए और 25 विकेट भी चटकाए। और दोस्तों इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथी बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। और फिर दोस्तों आईपीएल 2022 का फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जिसका फाइनल मैच टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 130 रन बना दिए और वहीं गुजरात टाइटंस ने 19 ओवर में 133 रन बनाकर 7 विकेट से आईपीएल 2022 अपने नाम कर लिया। आईपीएल 2022 के विजेता कप्तान रहे हार्दिक पांड्या, मैच भी हार्दिक पांड्या ही रहे, जिन्होंने फाइनल मैच में 30 बॉलों में 33 रन बनाए और 4 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट भी चटकाए। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने जॉस बटलर, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 863 रन बनाए और इसी के साथ गुजरात टाइटन ने पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। और दोस्तों इस साल आईपीएल का 17वां सीजन खेला जा रहा है, तो दोस्तों कमेंट करके बताइए आईपीएल 2024 कौन जीतेगा दिल्ली। और एक मैच नहीं जीता, इसका फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जिसका फाइनल मैच गुजरात दिल्ली किंग्स के बीच खेला गया, जहां गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 214 रन बना दिए। लेकिन दोस्तों बीच मैच में बारिश होने के कारण मैच को 15 ओवर का कर दिया गया, जहां 214 रनों के टारगेट को 171 रन में बदल दिया गया। और चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 171 रन के टारगेट को अचीव कर 5 विकेट से आईपीएल 2023 अपने नाम कर लिया। और आईपीएल 2023 के विजेता कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी और प्लेयर ऑफ द मैच बने डेविन कॉनवे, जिन्होंने फाइनल मैच में 25 बॉलों में ये तो गुजरात के साथ ना इंसाफ। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने सुमन गिल, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 890 रन बनाए। और दोस्तों इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने 5वीं बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। 5 बार की मुंबई ने जीती, आईपीएल अब तक 16 बार हो चुका है। मुंबई इंडियंस ने 5 बार जीता है और चेन्नई सुपर किंग्स ने भी 5 बार जीता है। 2 बार कोलकाता नाइट राइडर ने जीता है, 1 बार राजस्थान रॉयल्स ने जीता है और 1 बार गुजरात टाइटंस ने जीता है और 1 बार सनराइजर हैदराबाद ने जीता है और 1 बार डेक्कन चार्जर ने जीता है। अब तक आरसीबी ने आईपीएल नहीं जीता है और दिल्ली कैपिटल्स ने भी आईपीएल नहीं जीता है और लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी अब तक आईपीएल नहीं जीता है और पंजाब किंग्स ने भी अब तक आईपीएल नहीं जीता है। तो दोस्तों ये थे आईपीएल के अब तक के ऑल जीता नहीं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें आप आईपीएल में किस टीम को सपोर्ट करते हैं। कोलकाता ने जीता है हमारे चैनल क्रिकेट काइंड। भैया टाई हो गया मुंबई और चेन्नई में, इस बारी में जो जीतेगा अगर इन दोनों में से कोई जीत गया तो वो आगे निकल जाएगा। और ये कहने के आरसीबी भी आज तक नहीं जीता है। रॉयल चैलेंजर्स पता नहीं, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया भैया, मैं तो पहले दो देख रही थी। रॉयल चैलेंजर्स नहीं जीता है, ये लिखा था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर लिखा था, जीरो था दिखा था, दिल्ली कैपिटल्स से जीरो। हाँ चलो बताना आप लोग, मुझे नहीं पता, मैं तो दिल्ली पे फोकस कर रही थी और मुंबई और उसमें ज़्यादा मेरा फोकस था। कोलकाता तो जीती थी वो मैंने देख लिया था, पर चलो कोई ना हमारा दिल्ली भी जागेगा। बिल्कुल, अब आरसीबी नहीं जागा तो दिल्ली का जागेगा। चलो पर आपको खुशी हुई, आपकी आपकी टीम थी नहीं थी, आपकी टीम कौन सी वाली अच्छा है था, अच्छा दिखा था, अच्छा दिखा था। मैं बड़ी कंफ्यूज होती थी मैं बेचारी, मैं इसका मतलब मुझे जो है कौन सा वाला था जिसको मैं राजस्थान, बेचारे राजस्थान को अब दिल्ली के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, वो एक जीत चुके। तो चलो चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और
बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।